Hey guys, welcome back to my channel. You're watching MN Vlogs. आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है. क्यों होने वाला है? क्योंकि ये है मेरा पैकिंग व्लॉग, प्लस मुझे बकरीद के लिए अपने लिए शूज़ वगैरह लेने हैं, उन सब की मुझे शॉपिंग यानी कि करनी है, तो उसका मैं व्लॉग ज़रूर बनाऊंगी. तो मेरे जाने से दो दिन पहले मैं व्लॉग शूट कर रही हूँ. अभी मुझे थोड़ी सी साफ सफाई करनी है, थोड़ी चीज़ें सेट करनी है, और साथ मुझे अपने इयररिंग्स डिसाइड करना है कि मैं बकरीद पे कौन से पहनूंगी, क्योंकि ईद तो है ना, बड़ी ईद है, तो मैं उस पर इयररिंग्स पहनूंगी. वैसे तो गर्मी वहाँ पर बहुत होगी, 40+ डिग्री हो रहा है, लेकिन फिर भी इयरिंग्स मैं पहनती हूँ, वो लाइट वेट रख लूँगी. तो अभी मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगी इस ब्लॉग में, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, एंड तक जरूर देखना. और ये ब्लॉग मैं जाने से पहले अपलोड कर दूँगी, क्योंकि वहाँ पे मैं अपलोड नहीं कर पाऊँगी कोई ब्लॉग, तो वहाँ से वापस आके करूँगी इंशाल्लाह. तो ये ब्लॉग मैं जाने से एक दिन पहले अपलोड कर रही हूँ, तो कोशिश करूँगी आज जाना कि ब्लॉग कंप्लीट हो जाए, ताकि कल मैं इसको अपलोड कर दूँ और आप लोग देख पाओ, दिन में अपलोड कर दूँगी. तो चलो जल्दी से अपनी साफ सफाई शुरू करते हैं. और ये ब्लॉग मैंने काफ़ी लेट बनाया, क्योंकि मुझे नहीं पता था मैं जाने से पहले क्या ब्लॉग बनाऊँ, तो आज मैंने सोचा कि मैं ये ब्लॉग बनाती हूँ, पैकिंग ब्लॉग, और मैं शूज़ की खरीदारी करने जाऊँगी, तो उसका ब्लॉग आगे भी ब्लॉग में काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें हो सकती है, तो एंड तक जरूर देखना और लाइक ज़रूर करके जाना. तो चलो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं. तो जैसे कि आप लोग देख ही सकते हैं कि यहाँ पे सामान कितना ज़्यादा फैला हुआ है. तो जिस तरह मैंने अपने पहले वाले घर में, एक तो पहले मैं रही थी, उससे पहले वाला जो घर था उसमें मैंने इसके अंदर रखी हुई होती थी चीज़ें. अगर आपने मेरे ब्लॉग्स उस घर के नहीं देखे तो आप जाके देख लेना. तो मैं वैसे ही अब इसको सेट करने का सोच रही हूँ, तो अब मैं सेट करने की कोशिश करती हूँ, और साथ मुझे अपने इयररिंग्स भी डिसाइड करने हैं कि कौन से रखने हैं, क्योंकि बकराई दे तो इसके साथ में इयररिंग्स पहनूंगी. वैसे तो गर्मी होगी, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो चलता ही है, क्योंकि ईद है. तो फिर मैं आपको इसको सेट करके टाइम लैप्स पे लगा देती हूँ, आप लोग देखो, और पता नहीं कैसे सेट होगा. आई रियली हैव नो आइडिया. तो जैसे कि आपने देखा था टाइम लैप्स में, कि मैंने वहाँ की सारी सेटिंग कर दी, क्योंकि वहाँ पे सामान बहुत ज़्यादा फैला रहता था, और ये मेरे पास रैक था, तो इसलिए मैंने इसके अंदर सारी चीज़ें डाल दी. और ये मैंने इयररिंग्स सेलेक्ट किए अपने, ये मेरे पास पहले से थे, और मैंने काफ़ी अरसे से इयररिंग्स नहीं पहने, मतलब ये वाले, तो मैं इसको बैग के अंदर रख लूँ ताकि मैं भूल ना जाऊँ. और ये मेरे ईद वाले इयररिंग्स जो बैग के अंदर से निकले, तो इनको भी मैं इस ज्वेलरी बॉक्स के अंदर डालने वाली हूँ. पहले इसको हम इसके अंदर डाल देते हैं. ये मेरा मेकअप है, मेकअप पाउच, इसके अंदर मेरी किट है, मिनी मिरर है. आई नो थोड़ा सा ख़राब हो रहा है, क्योंकि मैंने इसके अंदर एक क्रीम रखी थी, तो वो थोड़ी सी लग गई होगी. साथ मेरे पास ये क्यूट सी मिनी वैसलीन और मिनी ब्यूटी ब्लेंडर है. मेरे को वैसलीन कितनी क्यूट है. साथ मेरे पास ये वाली शिम्बी आई शेडो किट भी है, जो कि मैंने अभी कुछ महीनों पहले ही लिए. और यहाँ पे मैंने इयररिंग्स अपने रख दिए हैं इसके अंदर, और ये मेरा लोशन है, क्योंकि मैं आने जाने वाला अलग रखती हूँ, कहीं हम लोग जाते हैं तो बड़ा वाला लोशन तो मैं लेके जा सकती. इसके अंदर मेरा मस्कारा है, आईलैश कलर है, और ये मेरे इयररिंग्स की पैकिंग हो गई. कपड़ों की पैकिंग मैंने ऑलरेडी कर ली थी, तो इसलिए फिर मैंने वो आपको दिखाई नहीं, क्योंकि व्लॉग में जाने से दो तीन दिन पहले शूट कर रही हूँ. तो ये मेरी किट है हुदा ब्यूटी वाली, सारी आपने पहले ऑलरेडी देखी हुई है, कि फिर भी मैं आपको दिखा रही हूँ. सारी पैकिंग तकरीबन हो गई है, ये मेरा बैग भी बंधा हुआ है, और शूज़ मैंने तक लिया नहीं. मैं सोच रही हूँ कि लूँ या ना लूँ, आई थिंक मुझे ले लेना चाहिए, क्योंकि और कोई अच्छा है ही नहीं. तो जब मैं लेने जाऊँगी तो मैं आपसे मिलूँगी, वरना नहीं ले जाऊँगी तो नहीं मिलूँगी. अंधेरा यहाँ पर इतना ज़्यादा हो रहा है, हम लोग जा रहे हैं बाहर डिनर करने के लिए. पता नहीं मैं शूज़ लूँगी या नहीं लूँगी, अगर लूँगी तो फिर आपको दिखा दूँगी, अगर आपको शूज़ ना दिखे तो आप समझ जाना कि मैंने नहीं लिए. पता नहीं आउट ऑफ फोकस जा रहा है कैमरा, तो मैं अंदर बैठ जाती हूँ, पीछे से फिर वॉइस ओवर करूँगी, फिर आप सुनते रहना. वैसे कैमरा बहुत ज़्यादा आउट ऑफ फोकस जा रहा है, देखो मैं फोकस कर रही हूँ. लेट्स गो. आज हम लोग सोच रहे थे कि हम लोग डिनर में क्या खाएं. हम लोगों ने सोचा था कि हम लोग चीज़ियस का पिज़्ज़ा खाएंगे, लेकिन फिर हमने प्लान कैंसिल कर दिया. फिर हमने सोचा कि बहुत सालों से पिज़्ज़ा हट का पिज़्ज़ा नहीं खाया, क्योंकि हम लोग पहले खाते थे, लेकिन अब तो काफ़ी अर्से से नहीं खाया. तो सोचा ट्राई करके देखते हैं कि अब इनका टेस्ट कैसा हो गया पहले जैसे, ये चेंज हुआ है
तो ये इनकी थोड़ी मिड नाइट डिश थी, लेकिन मिड नाइट नहीं हुई थी तो हमने नॉर्मली जो पिज़्ज़ा होता है वो लिया। इनका फ्लेवर था आई थिंक क्रीमी डिलाइट, इस तरह कुछ था, मैंने सही तरह सुना नहीं। तो हमने उनसे पूछा था आपका सबसे अच्छा कौन सा है, तो उन्होंने ये बताया। तो फाइनली हमारा पिज़्ज़ा आ गया है और उसके साथ ये कोल्ड ड्रिंक भी थी, ये डील थी। तो अब हम इसको ओपन करेंगे और फिर मैं आपको बताती हूँ। टेस्ट इसका अच्छा था, चीज़ी बहुत ज़्यादा था, मतलब जिस तरह हैवी पिज़्ज़ा होता है ना बिल्कुल वैसा था, चीज़ी काफ़ी ज़्यादा था। अगर आप ये खा रहे हो तो भी बहुत देख के खाना, क्योंकि गिरजा बहुत है, क्योंकि स्लिपरी बहुत होता है, चीज़ी बहुत होता है। खैर टेस्ट भी सही था, अच्छा था। उस लास्ट में हमने पी थी लस्सी। और अब मैं जा रही हूँ अपना शूज़ लेने के लिए और फिर ये व्लॉग मैं एंड करूँगी। अभी क्या करना है सोचूंगी, फिर आपको बताऊँगी कि क्या है। सो गाइज, लेट बहुत ज़्यादा हो गया था क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, जैसे मैंने आपको पहले भी दिखाया। तो हमारा प्लान कैंसिल हो गया शूज़ का। मुझे नहीं पता मैं कब लूँगी, लेकिन मुझे आज रात को ये व्लॉग अपलोड करना है क्योंकि कल मैं चली जाऊँगी। अभी वहाँ पर मैं अपलोड करना है तो भूल जाऊँगी, अभी मुझसे गलती से डिलीट हो जाएगा। तो अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि आपको मेरे आने वाली नए नए व्लॉग्स और शॉर्ट्स की नोटिफिकेशन मिल जाए। बाय द वे, मैं शॉर्ट्स में रोज़ डालती हूँ लेकिन कुछ दिनों तक नहीं डालूंगी। सो आगे भी बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग्स आएंगे तो उनको भी देखना मत भूलना। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।